हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको विंटर के कुछ फूल दिखाने वाली हूँ और कुछ सब्जियाँ दिखाने वाली हूँ जो मैंने बोई हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कितना सुंदर पिंक कलर, लाइट पिंक का गुड़हल खिला है। ये देखिए बहुत सुंदर है। और ये देखिए मेरा स्लीपिंग हिबिस्कस में भी काफ़ी सारी ग्रोथ हो चुकी है। और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर है ये। ये देखिए काफ़ी सुंदर है। ये देखिए और ये देखिए गजानिया है, इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये सारे पिटूनिया के प्लांट्स हैं। और ये देखिए कटिंग का डेंथस है और इसमें फूल भी खिले हैं काफ़ी अच्छे। और ये देखिए ये भी डेंथस हैं, पिंक कलर के और वाइट कलर के दोनों। और ये रहा मेरा कैरेंडुला, इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स भी आ रही हैं, ये देखिए। और ये रहा मेरा पिंक एक्सोरा, इसमें भी काफ़ी बंच में फूल खिल चुके हैं और यहाँ पर भी खिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी सब्जियाँ जो मैंने उगाई हैं पहली बार। ये देखिए मेरा ये बैंगन का है और इसमें देखिए ग्रोथ, इसमें काफ़ी, इसमें बर्ड्स भी आ चुकी है और इसमें फूल भी खिल चुका है। और ये हमारा फ्रूट, तो अब हमें ये वेजिटेबल देने वाला है, बैंगन देने वाला है। ये देखिए काफ़ी हेल्थी हो गया है ये हमारा प्लांट। और ये देखिए टमाटर है और इसमें भी फूल आ चुके हैं और ये भी टमाटर देने वाला है हमें। और ये रहे मूली, मूली के प्लांट्स हैं ये सारे। ये मैंने सीड से ग्रो करी थी, ये मूली के पौधे हैं, बीज से ग्रो करे थे मैंने इनको। और ये देखिए मेरे पास एक बास्केट थी तो वो टूट चुकी थी, तो मैंने उसमें क्या, मैंने तो फिर उसमें मिट्टी डाल दी और यहाँ पे पालक के बीज बो दिए हैं, पालक उगने वाली इसमें देखिए। और ये मिर्ची का प्लांट है। और ये देखिए मेरा छोटा सा अडेनियम, जब हम इसको लाए थे तब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेम थी और अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेम्स निकल आई हैं। और इसका जो कोडेक है वो भी काफ़ी मोटा हो चुका है नीचे से और काफ़ी क्यूट हो चुका है ये सुंदर सा। और ये मुझे 10 रुपीज़ का मिला था, मैं सबसे पहले इसको लाई थी। और उसके और इसमें मैं गार्डन, मतलब कोई कंपोस्ट अपने घर की डालती हूँ, जितना भी किचन वेस्ट होता है और गोबर की खाद होती है सब वही डालती हूँ, सारी ऑर्गेनिक। और मेरे सारे प्लांट्स हेल्दी और हरे भरे रहते हैं। अगर आपको कोई भी मुझसे जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।